भारत सरकार ने ट्रस्ट को सौंपी और ट्रस्ट का गठन भी भारत सरकार ने किया। ट्रस्ट गठन करने का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इस पूरे ट्रस्ट डीड में कहीं भी सोसाइटी, ट्रस्ट इन शब्दों का प्रयोग नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये 70 एकड़ ग्रीन कलर से है। अब आप देख लीजिए ये कितना झिकझैग है, कहीं भी कोई सीधी रेखा खींचना कितना कठिन है। मंदिर ये नॉर्थ है, तो 70 एकड़ के नॉर्दर्न पार्ट में मंदिर बन रहा है। नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए, यहां कितना वाइड है, यहां कितना नैरो है। आप ये सवाल करेंगे कि इतने छोटे हिस्से में बनाया यहां क्यों नहीं, तो 70 साल से जो कोर्ट में लिटिगेशन है वो जिस प्लॉट नंबर का है वो प्लॉट नंबर यही है, इसलिए इसको नहीं छोड़ सकते थे। वहां कुछ भी आपको देखकर आप बार बार पूछेंगे ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है। ये मंदिर है, ये मंदिर वहां दिखेगा, 3 मंजिला ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया, फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, सेकंड फ्लोर की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। इस मंदिर के चारों ओर एक दीवार बनाई जा रही है, इस दीवार के लिए भी वहां सब वर्किंग चल रहा है। ये दीवार एक प्रकार की सुरक्षा दीवार है। टेम्पल लैंग्वेज में इस दीवार को परकोटा, प्राकार, PRAARA, प्राकार, परकोटा। यह परकोटे का कॉन्सेप्ट उत्तर भारत में नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, तमिलनाडु में है, केरल में है, राजस्थान में। अच्छा, अयोध्या का एक मंदिर है उसका परकोटा बना है, वृंदावन में रंगजी मंदिर का परकोटा बना है। ये परकोटा चारों दिशाओं में अगर इसकी लंबाई नाप ली जाए, इट इज 732 मीटर्स। आप 732 को 750 मान लीजिए राउंड अबाउट, ये तो है रनिंग लेंथ। रनिंग लेंथ इन ऑल द 4 डायरेक्शंस। लेकिन व्हाट इज यूनिक इन इट, दीवार की एक निश्चित मोटाई होती है। बड़े बड़े किलों की दीवारें कैसी बनाई जाती हैं? ये दीवार इट इज 14 फीट वाइड। यानी 4 मीटर से भी अधिक चौड़ी है। रनिंग लेंथ 750 मीटर्स,
width 14 feet wide. ये भी डबल स्टोरी है. ये परकोटा इट इज ऑल्सो डबल स्टोरी. जो लोअर लेवल होगा उस लेवल में हम अपने ऑफिशियल कामों के लिए कमरे बना रहे हैं. बहुत प्रकार के काम होंगे. स्पेस बचाने के लिए हमने लोअर लेवल पर कमरे बना दिए हैं. तरह तरह के काम करेंगे. जो अपर लेवल है ये परिक्रमा का मार्ग बनाया है. इट इज फॉर परिक्रमा. यात्रियों की यात्री परिक्रमा कर सकते हैं मंदिर की. दर्शन की लाइन बहुत बड़ी हो गई है. परिक्रमा के लिए बाहर निकल गए. गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली. दुनिया में विख्यात हो गए. प्रथम पूज्य हो गए. तो ये इसका दूसरे कॉर्नर पर शंकर जी का मंदिर होगा. थर्ड कॉर्नर पर भगवती का मंदिर होगा, देवी का. और चौथे कोने पर गणेश जी का मंदिर होगा. राम भगवान विष्णु का अवतार, सूर्य शंकर भगवती गणपति और विष्णु, ये कहलाएंगे पंचायतन. ये कॉन्सेप्ट कम से कम 2000 साल पहले शंकराचार्य जी ने दिया है. पांच देवताओं की पूजा, इसमें सारा भारत सारी श्रद्धाएं समाहित हो जाएगी. ये दक्षिणी भुजा है. यहां हनुमान जी होंगे. यहां पर माता अन्नपूर्णा. तो ये परकोटा इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन. और इसको बनने में भी हो सकता है 6-8 महीने और लगेंगे. वृद्धों के लिए क्या होगा, दिव्यांगजनों के लिए? तो यहां ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम, यहां एक लिफ्ट बनाई गई है. ये लिफ्ट परकोटे में बनेगी दिव्यांगजनों के लिए, वृद्धों के लिए, व्हील चेयर के लिए. पूर्वी दिशा मंदिर का प्रवेश द्वार, यहां पर दो रैंप बनाए गए हैं व्हील चेयर के लिए. तो दिव्यांगजन अतिवृद्ध लोगों के लिए व्हील चेयर के लिए रैंप और लिफ्ट का प्रोविजन रखा गया है. फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ 24, 7-8 महीने बाद यहां 7 मंदिर और बनेंगे. महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य राम को वनवास हुआ. पहली भेंट गंगा के तट पर केवट से हुई, मल्लाह से हुई है, जिन्होंने नाव में बैठाकर नाव गंगा पार कराई. निषाद राज, वो एक राजा है समाज का. तो निषाद राज का मंदिर बनेगा.
ये निषाद राज का मंदिर आज भी वहां है जहां पर गंगा पार की गई थी। अयोध्या से जाइए अलाहाबाद पहुंचने के पहले लखनऊ रोड पर श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर लखनऊ से अलाहाबाद आएंगे तो श्रृंगवेरपुर पड़ेगा, गंगा के तट पर निषाद राज के मंदिर हैं। या निषाद राज का मंदिर बनेगा, वनवास में राम की भेंट एक बूढ़ी माता से हुई है जिसको शबरी कहा गया है, शबरी का मंदिर बनेगा। किसी पत्थर की शिला को राम ने स्पर्श कर दिया, एक नारी प्रकट हुई, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, मंदिर बनेगा। तो चार ऋषि, एक निषाद राज और एक शबरी अहिल्या, दो नारियों के मंदिर बनेंगे। तो चार तीन सात, राम के वनवास काल में जो अंतिम पात्र है उसका नाम है जटायु। जटायु का अंतिम संस्कार राम ने जटायु की गर्दन अपने गोद में रखकर किया है, जल अर्पण किया है। और जटायु की स्थापना यहां की गई है कुबेर टीला, यहां जटायु स्थापित कर दिए गए हैं। इसका नाम है टेंपल कॉम्प्लेक्स। अब तीर्थ यात्रियों के लिए क्या है? सामान्यतया आज धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, हमने अपनी प्लानिंग में जो बातें रखी हैं और जिन पर साइमल्टेनियसली काम चल रहा है और शायद 5-6 महीने में सब कंप्लीट हो जाएगा। पहली बात, 25,000 यात्री अगर आते हैं तो उनका सामान रखने के लिए लॉकर, जूता, जूता, चप्पल, मोबाइल, पर्स, छोटे छोटे बैग, इसकी व्यवस्था देखिए यहां पर है। इसका नाम है पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, PFC, पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर। यहीं पर एक छोटा सा चिकित्सालय बनाएंगे, यात्री आया दर्शन करने के लिए उसे कुछ कठिनाई खड़ी हो गई तो यहां एक हॉस्पिटल रहेगा, थक गया आराम कर सकेगा। पंखे, पानी, चिकित्सालय, लॉकर, जूता यही जमा करेगा तब अंदर प्रवेश करेगा, यहां से निकलने के बाद जूते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नंगे पैर ही चलना होगा, गर्मियों में पैर नहीं जले इसका प्रोविजन करेंगे। अब 25,000 यात्रियों में से अगर 500 लोगों की इच्छा हुई वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। ये है बारह, हाँ 50-100 शौचालय, स्नान गृह, यूरिनेशन, यूरिनल्स, ओपन टैप्स, वॉश बेसिन, ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, केवल तीर्थ यात्रियों के लिए है, ये सौरभ शौचालय का नहीं है, ट्रस्ट का है। इसका विस्तार कहां जाएगा?
तो इसका वेस्टेज नगर निगम के सीवर में नहीं जाएगा। दो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, दो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यहीं पर बनाए जा रहे हैं। नीचे एक यहीं पर है नीचे और एक यहां है 12B STP2 12E तीन नंबर। ये दो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो कुछ होगा यहीं पर होगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा का जल उसको नगर निगम की नालियों में ड्रेन आउट नहीं करेंगे। इसलिए एक पॉलिसी तैयार हुई जीरो आउट जीरो डिस्चार्ज। तो जब जीरो डिस्चार्ज पर होमवर्क करेंगे तब 2-4% होगा जीरो डिस्चार्ज। नगर निगम को इस अंदर के दबाव से कभी भी कठिनाई ना हो। नगर निगम का मतलब होता है जनता। तो अयोध्या, अयोध्या छावनी, इस पॉपुलेशन को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिफिकेशन, हमने पावर हाउस से डायरेक्ट डेडिकेटेड लाइन ली है 33 किलोवाट। उसका रिसीविंग स्टेशन, उसको तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो तीन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन ये अंदर ही बनाए हैं। नगर निगम के इलेक्ट्रिकल लाइन पर कोई लोड नहीं पड़ेगा। तो सीवर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रिकल सप्लाई। एक बात और आती है, कभी भविष्य में फायर ब्रिगेड को पानी चाहिए तो पानी लेने के लिए उनको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। ये सड़क है, इसके नियरेस्ट यहीं पर हमने उनको अंडरग्राउंड रिजर्वायर तैयार करके रखा है। पानी या तो जरूरत पड़ेगी सरयू से लेंगे, ट्रीट करेंगे, अदरवाइज जमीन से लेंगे। लेकिन जमीन का पानी जमीन में ही जाएगा। इस 70 एकड़ में अधिक से अधिक 30% कंस्ट्रक्शन है, अर्थात 20 एकड़ में कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा है। 50 एकड़ भूमि में हरियाली है, घास है, पेड़ पौधे हैं, अत्यंत प्राचीन 100-100 साल पुराने वृक्ष है। ऐसे वृक्षों का घना जंगल भी है शायद जहां सूर्य की किरणें कभी धरती पर आती ही नहीं। ये प्रिजर्व किया गया है, इसलिए जमीन का जो ग्राउंड वाटर का लेवल है इट विल नेवर गो डाउन, ये मेंटेन रहेगा। सारा वर्षा का जल धरती के अंदर जाएगा, कुछ भी पानी बाहर की नाली के माध्यम से सरयू में नहीं जाएगा, जीरो डिस्चार्ज। ये हमारी एक लगभग जनरल कॉन्सेप्ट है जो वहां सारे काम हो रहे हैं। आप यहां कहीं खड़े होकर देख पाएंगे। इधर नहीं जा पाएंगे, आप यहां कहीं खड़े होकर देख पाएंगे। सौ प्रकार की मशीनें अंदर कम से कम काम कर रही होंगी, उसको कोई कठिनाई ना हो। डस्ट बहुत है, वो स्टोन डस्ट है, स्टोन डस्ट बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये वहां का सारा एक
कंस्ट्रक्शन का मैंने थोड़ा बताया, अब मैं इसको बताता हूं। टेंपल तक सीमित रहूंगा, इसका कंस्ट्रक्शन इट इज आल्सो यूनिक। नॉर्दर्न इंडिया में शायद 200-400 साल पिछले उसमें ऐसी रचना निर्माण नहीं हुई। पहली बात थी फाउंडेशन, फाउंडेशन जमीन के नीचे अनेक प्रकार से सॉइल टेस्टिंग कराया गया, एक प्रकार ने अनेक प्रकार ने, इन्होंने किया। तब ये निष्कर्ष निकला कि जमीन के नीचे जो कंडीशन है नॉट फिट फॉर फाउंडेशन, मोस्टली इट इज डेब्रिश और इट इज लूज सैंड, इट इज नॉट द सॉइल। मट्टी नहीं है, भुरभुरी बालू है, डेब्रिश है, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं बन सकता। इसका निर्णय करने के लिए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी चेन्नई, एनआईटी सूरत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, एलएनटी और टाटा के सीनियर इंजीनियर्स और नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के डायरेक्टर्स, इतने इंजीनियरिंग ब्रेन, इनका कलेक्टिव विजडम इसमें काम आया। लगभग 2 महीने तक ऑनलाइन बैठकें होती थी। आईआईटी गुवाहाटी के डायरेक्टर परमिशन लेकर बिना किसी को बताए अकेले आकर उन्होंने सारा सर्वे किया और तब कहा कि यहां फाउंडेशन बनने के लिए जमीन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, इसलिए डिसाइड किया गया इसे हटाओ, तो सबको हटाया गया। और लगभग 6 एकड़ दूरी से हटाया गया, 14 मीटर डेप्थ तक हटाया गया। ऐसा लगता था जैसे हमने एक समुद्र तैयार कर दिया है। मेरे विचार से अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख घन मीटर मट्टी हटाई गई, 1,80,000, मैं इसी को 2 लाख कह रहा हूं, 2 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी हटाई गई। फिर इसको भरना कैसा, तो आईआईटी चेन्नई ने इसके लिए कंक्रीट को स्पेशली डिजाइन किया। आप और हम सब मकान बनाते हैं उसमें कंक्रीट डालते हैं, ये तो नॉर्मल कंक्रीटिंग है। प्रोफेसर मनु संथानम ने स्पेशल डिजाइनिंग किया, सीमेंट जितना नॉर्मल हम आप इस्तेमाल करते हैं उसका ओनली 2%, पानी वेरी लेस, कोरसेंट 0%, कोरसेंट को रिप्लेस किया गया है स्टोन डस्ट, फ्लाई ऐश, केमिकल्स, ताकि बाइंडिंग फोर्स अच्छी रहे। और लेयर बाय लेयर, 1 फुट थिकनेस की एक लेयर, उसका रोलर कॉम्पेक्शन 2 इंच कॉम्पेक्शन करना, 12 इंच को 10 इंच बनाना, डेंसिटी मेजरमेंट, देन द सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, 56 लेयर पड़ी है 14 मीटर। तो जमीन के नीचे 14 मीटर मोटी एक कृत्रिम आर्टिफिशियल रॉक तैयार की गई। 1 साल लग गया इसको बनाने में। जैसे जैसे समय बीतेगा ये रॉक मजबूत होती जाएगी, 1 ग्राम भी आयरन का वायर इसमें नहीं है। रॉड बहुत अलग चीज होती, यहां तक बात आई कि ग्लास फाइबर डाल दिया जाए तो ग्लास की फाइबर भी नहीं होगी। ये सब इंजीनियरिंग ने तय किया। रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट,
आरसीसी रीएनफोर्समेंट नहीं है, रोलर रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आरसीसी, नॉट द रीएनफोर्समेंट। ये इस फाउंडेशन की विशेषता स्पेशलिटी। सेकंड, मंदिर पत्थरों से बनेगा, पत्थर जमीन की डैम्पनेस को एब्जॉर्ब करेंगे, वर्षा का पानी, जमीन की नमी, पत्थर पानी पीता है, ये नमी ऊपर चढ़ती जाएगी, 200-400 साल के बाद ऊपर का शिखर पानी से दिखाई देगा, पत्थर में पानी है, इसको बचाओ, पानी पत्थर को खराब करता है। पानी का एब्जॉर्प्शन घटाने के लिए जमीन से 21 फीट ऊंचाई तक ग्रेनाइट लगाया गया। ग्रेनाइट को कैसे लगाया गया, ये मेज रखी है, 5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा, 3 फीट ऊंचा, ऐसे 17,000 ग्रेनाइट के ब्लॉक्स कर्नाटका और तेलंगाना से आए, 5 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट ऊंचे। तो लगभग एक ब्लॉक 37 क्यूबिक फीट का हो गया, 17,000 ब्लॉक्स उनको जोड़कर 7 लेयर्स, एक के ऊपर एक लेयर, 21 फीट डेप्थ हाइट दी गई है। इसको कहा गया है प्लिंथ, हिंदी में आप कहेंगे मंदिर की कुर्सी, मंदिर का फर्श। हमारा भी मकान बनाते हैं सड़क से थोड़ा ऊंचा बनाते हैं, नाली का पानी, सड़क का पानी मकान में ना घुसे, थोड़ा ऊंचा बनाते हैं। इसको 21 फीट बनाया गया। पर्पस, डैम्पनेस से बचाना। इसके बाद मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ है मई 2022। मंदिर का पत्थर राजस्थान, जिला भरतपुर, तहसील बयाना, गांव का नाम बंसी पहाड़पुर, उसकी पहाड़ियों का पत्थर है। इट इज ऑल्सो सैंड स्टोन, पिंक कलर सैंड स्टोन, कार्विंग में बड़ा सॉफ्ट है, कार्विंग चमकती है, सॉफ्टनेस के कारण कार्विंग जल्दी होती है। लगभग 4,70,000 अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख घनफुट पत्थर इस्तेमाल होगा, 5 लाख 4.75 क्यूबिक फीट सैंडस्टोन मंदिर में लगेगा, ग्रेनाइट एक्स्ट्रा। मंदिर का जो फ्लोर है, इट इज व्हाइट मकराना मार्बल। मंदिर का गर्भगृह, ये गर्भगृह है, इट इज प्योर व्हाइट मकराना मार्बल, प्योर व्हाइट मकराना मार्बल। इसकी क्वांटिटी अलग है। मंदिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, नीचे नो बेसमेंट, ग्रेनाइट है, ठोस 100% सॉलिड, उसके नीचे आर्टिफिशियल रॉक, इसलिए नीचे कोई भी हॉलो नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होगी, ये तैयार है, फ्लोरिंग चल रहा है, अभी जरा काम को तेज गति से किया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि 30 तारीख को 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री आ रहे हैं एयरपोर्ट पर उद्घाटन करने, कहीं गाड़ियां इधर को ना घूम जाए, इसलिए बहुत सावधानी रखी जा रही।
मंदिर की इंजीनियरिंग और परकोटे की इंजीनियरिंग बोथ आर द सेम, अर्थात दोनों की आयु 1000 साल। अगर मैं परकोटा ग्रेनाइट सैंडस्टोन और मकरना मार्बल सबको मैं इंक्लूड कर लूं अप्रोक्सीमेटली 21-22 लाख क्यूबिक फुट स्टोन का, इतना बड़ा स्टोन स्ट्रक्चर नॉर्दर्न इंडिया में भी 100-200 साल में बना नहीं होगा, दक्षिण में भी नहीं बन रहा है, छोटे छोटे बनते हैं, स्वामीनारायण के हैं वो इतना बड़ा नहीं है। ये इतनी सी बात है जो मैंने सोचा यहाँ आपको नक्शे पर दिखा दी जाए, आप इसका क्लोजअप लेंगे तो आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। कोई अन्य बात हो शेष पूजा पाठ 22 जनवरी वहीं पर आप देखेंगे। राम लला, लला लला मीन चाइल्ड राम, लला इज नॉट यंग, इन्फेंट राम। 5 वर्ष की आयु का राम, हमारे आपके घर में भी 5 वर्ष का बालक कैसा लगता है, आंखें कैसी, चेहरा कैसा, मुस्कान कैसी, बॉडी लैंग्वेज कैसी, ऐसी डिजाइन ड्राइंग तैयार की गई, मूर्तिकारों को दिया गया, ऊंचाई तय की गई है, तलवे से लेकर पैर के अंगूठे से लेकर ललाट 51 इंच, ललाट के ऊपर ये आ जाएगा वो अलग है, हमारा संबंध ललाट तक है। खड़ी मूर्ति 3 मूर्तिकार बना रहे हैं, आगामी 1 हफ्ते में कौन सी मूर्ति सबसे अच्छी बन पाई, किस मूर्ति में डिवाइननेस और बाल सुलभ कोमलता सुकोमलता दोनों आई है, उसमें देवत्व भी होना चाहिए डिवाइननेस और उसमें 5 वर्ष के बालक का सुकोमल चेहरा भी होना चाहिए, उसका सिलेक्शन किया जाए। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि 16 जनवरी से प्रारंभ होगी, 22 जनवरी को पूरी होगी, अंतिम पूजन दोपहर 12:20 पर 22 जनवरी को होगा, प्रधानमंत्री जी स्वयं रहेंगे, सत्संग का चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन राव भागवत रहेंगे, राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन रहेंगे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी रहेंगे, महंत नृत्यगोपाल दास जी अध्यक्ष ट्रस्ट रहे, देश के 4000 संतों को बुलाया गया है, उनके नाम लिखे गए सभी परंपराएं, कम से कम देश की 125 पूजा परंपराएं आएंगी, वनवासी संत आएंगे, घुमंतू समाज के संत महात्मा आएंगे, इसके अलावा कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं, खेल जगत, वैज्ञानिक, पद्मश्री, जीवन बलिदान करने वाले परिवार, उनके बच्चे, सैनिक, कवि, लेखक, साहित्यकार, मीडिया हाउसेस, मीडिया पर्सन्स ने बड़ा खतरनाक शब्द है जी। इसलिए मैंने सोचा क्लेरिफाई कर दूं, मीडिया हाउसेस श्रुति संविनार्थक है, हैं? श्रुति संविनार्थक है। और देश के औद्योगिक जगत के कुछ लोग, बड़े व्यापारी, बहुत विचार पूर्वक नाम लिखे गए हैं, इस सूची तैयार करने में देश के लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने अपना अपना योगदान दिया है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोई 48 दिन की मंडल पूजा होती है, मैं नहीं जानता हूं,
उत्तर भारत में कुछ भी नहीं होता, अयोध्या में तो इतना भी नहीं होता। कलयुग में कहा गया है सीताराम सीताराम कर लो सब हल हो जाएगा। एक बार फिर से बता दीजिए कौन सी पूजा होगी? मंडल पूजा 22 दिन तक, 23 जनवरी से 48 दिन तक। ये सबरीमाला में होती है और यहाँ पे और दक्षिण भारत की परंपरा है और इसलिए उस पूजा को कर, ये कोई ऐसी पूजा है जो शास्त्र में लिखी है, इसलिए उडुपी के महंत विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज कराएंगे, वो हमारे ट्रस्टी है। मंडल पूजा 48 दिन चलेगी, ऐसा मैंने एक छोटा सा वर्णन आपके सामने दिया है। सवालों का तो कोई अंत नहीं है और सवाल करने का कोई फायदा नहीं है, गला मेरा अब थक रहा है। एक छोटा सा है कि जो भगवान की चारों भाइयों की मूर्ति किस राम लला, राम लला मंदिर राम लला का है नहीं, जो पहले से मूर्ति है राम लला की हो? मेरे विचार से आपको कुछ बातें 23 जनवरी को छोड़ देनी चाहिए, आंखों से देखना। हम लोगों को बुला नहीं देना क्यों? 23 जनवरी को थोड़ी माने क्या? अरे 23 जनवरी आफ्टर 22nd। देखो वर्तमान प्रतिमाएं छोटी छोटी 70 साल से रखी, ये खड़ी प्रतिमा क्यों बनाई गई? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विचार दिया कि रामनवमी के दिन दोपहर को 12 बजे सूर्य की किरणें भगवान के ललाट को प्रकाशित करें। राम सूर्य वंश में पैदा हुए तो सूर्य अपने वंश में उत्पन्न राम को तिलक लगा रहे, उसका नाम ही रखा है प्रोजेक्ट का नाम सूर्य तिलक। अंतरिक्ष विज्ञानियों ने इस पर काम किया है, सफलता मिली है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी दोपहर 12 बजे सूर्य की किरण ललाट को प्रकाशित करेगी। सर मंदिर का मुख्य पुजारी का चयन हो गया क्या, कौन रहेगा? इतनी जल्दीबाजी हम नहीं करते। सर आपने बताया कि रामलला की मूर्ति छोटे स्वरूप में 5 साल के राम, क्या वो कोदंडधारी राम होने वाले हैं? 5 साल में कोदंडधारी थे ही नहीं, कोदंड तो कोदंड राम के धनुष का नाम है, वो तो बाद में बने बाल, लेकिन राम और कृष्ण की बाल रूप की प्रतिमा बनाओ अंतर कैसे करोगे? तो कृष्ण के हाथ में बांसुरी देनी पड़ेगी, मोर पंख देना पड़ेगा, राम के हाथ में कहीं छोटा सा, जिसको कहा कि ऐसी ऐसी धनु ही तो हमने बहुत तोड़ दी। जब परशुराम जी ने कहा कि तुमने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया तो कहते धनुष नहीं धनु ही, लक्ष्मण कहते ऐसी धनु ही तो हमने बहुत तोड़ दी, तो बच्चे के हाथ में बच्चे जैसा देते। सर आपने कहा कि 4000 से ज्यादा जो साधु संत महात्मा है अलग अलग जो मत है उनको आपने निमंत्रण दिया है, क्या जितने भी आ रहे हैं जिनको आपने न्योता दिया है वो सब हिंदू धर्मावलंबी है या अन्य धर्मों के लोगों को मजहब पंथों के लोगों को भी आपने आमंत्रित किया है? राम के ईसाई हो मुसलमान हो बाकी राम के प्रति श्रद्धा है क्या? राम के भक्तों को बुलाया गया। विपक्ष से किन किन नेताओं को न्योता दिया? बताया नहीं जाएगा, 23 तारीख को पता लग जाएगा, 23 जनवरी को आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। विपक्ष के बहुत सारे नेता भूफा बने बैठे हुए हैं इसलिए पूछा है इन्होंने सवाल। कोई बात नहीं, उनको किसने मना किया है? भूफा बनो, नाना बनो, मामा बनो, अपना क्या है? हमारा काम था मंदिर और मैंने कहा 100 लोगों ने सूची बनाने में योगदान दिया है माइनस मी। चीफ जस्टिस भी आएंगे? माइनस मी मुझे पता ही नहीं, दूसरे वाले पे प्रेजेंट कैसे आ सकता है? सेकंड फ्लोर पे क्या होगा? हाँ राम का दरबार सोचा है, चारों भाई माता जी हनुमान जी के साथ राम सोचे, अभी स्टेज 1 साल बाद आएगी। रामलला का मूर्ति कौन सा पत्थर से बनेगा? ओ
दो पत्थर कर्नाटक के हैं, एक पत्थर मकराना का है, बहुत सुंदर है, जो भी सिलेक्शन हो जाए। ग्राउंड में तो गर्भगृह है, फर्स्ट पे राम दरबार है, सेकंड पे क्या होगा? अभी सोचा नहीं। और ये भी हो सकता है कि वहाँ कुछ ना रखा जाए, बहुत हाई लोगों को वहाँ नहीं जाने देना। शिखर की लंबाई, रामायण की पुरानी प्रतिमाएं देश में बहुत जगह पे संकलित की गई है, ऐसा कोई प्रत रखी जाएगी वहाँ पे? एक म्यूजियम बनेगा, उस म्यूजियम में कोशिश है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर होगा। जो शिखर की ऊंचाई बताई जाती है, क्या वो धरातल से है? कोर्टयार्ड, जहाँ पर आदमी जमीन पर खड़ा होगा। इस स्थान की एक और यूनिक फिजिकल कंडीशन है, 12 बज गया, अंदर आपको चलना चाहिए, पैदल चलना पड़ेगा। वो यूनिक कंडीशन क्या है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। यहाँ के और यहाँ के जो ग्राउंड लेवल है उसमें 10 मीटर का अंतर है। अब इस अंतर को, मंदिर तो फ्लैट जमीन पर बनेगा, तो इसको ऐसे किया गया। अगर हैवी रेन हो गई तो क्या होगा, तो ये मट्टी कट जाएगी, कटकर बह जाएगी और इधर सरयू है, सरयू में चली जाएगी, तो मंदिर का स्टोन का क्या होगा, नीचे रॉक का। इसलिए एक रिटेनिंग वॉल डाली गई है, जैसे बांध में मट्टी रोकने के लिए की जाती है, और उतने ही लेवल ले गए हैं जिस लेवल पर सरयू बहती है, 91 मीटर अबाउट सी। उसका बॉटम, दीवार का रिटेनिंग वॉल का बॉटम 40 फीट चौड़ा, ताकि मट्टी के कटान को रोका जा सके। जो पहले से बन रहे थे मंदिर निर्माण कार्य, वहां भी लगाई जाए, काफी लगाई गई है, लेकिन अब शायद ऊपर की मंजिल में काम आएंगे। एक और भी चेंज हुआ है, इसका अध्ययन किया गया अर्थक्वेक के लिए। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, उन्होंने अर्थक्वेक का अध्ययन किया है। यहां मैक्सिमम अर्थक्वेक कितनी इंटेंसिटी का आया, अगर इसे डबल का आ गया तो क्या होगा, उसके आधार पर खंभों की चौड़ाई को बढ़ाया गया है। यहाँ हमें 12 बजे वहां पहुंचना था, थोड़ा सा विलंब हो गया, 7 मिनट हमें यहाँ गेट से वहां तक पहुंचने में लगेंगे, और वापसी हम यहीं आएंगे। अंदर आपका एक मर्यादा में ही आप जा सकेंगे, वो मर्यादा मंदिर तक पहुंचने की नहीं, काम में बहुत बाधा है, पुलिस कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग लगाकर रखती है, उसका पालन आप करें, इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। पढ़ने में गलती, देखो वापस यही आएंगे और व्यवस्था है।